यार मैं इससे बहुत परेशान आ गया हूँ। बजाज वालों इस प्रॉब्लम को कुछ तो सोल्यूशन लाओ यार, इसका कोई सोल्यूशन है तो आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विराज बाइकर जोन। स्वागत करता हूँ आप सभी का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों ये है हमारी बजाज पल्सर NS200 BS6 2022 मॉडल। आज हम इसकी थोड़ी बुराई करने वाले हैं क्योंकि इसके कुछ कुछ चीज़ों से मैं परेशान हो गया हूँ। वो कौन सी चीज़ें वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। जब आप NS200 लेने जाओगे तब आपको इन्फॉर्मेटिव रहेगी, और ये चीज़ें आपको भी परेशान कर रही है क्या वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। और हम 1K के बहुत करीब है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और भाई को अपने जल्दी से जल्दी 1K तक पहुंचाइए। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों जैसे आपको पता है कि नेशनल हाईवेज की कंडीशन आजकल बहुत ख़राब हो गई है, और आजकल बारिश का सीज़न चल रहा है तो रोड पर कीचड़ वगैरह बहुत होता है। तो आप ये हालत देख सकते हो, आप ये देखो क्या यार इंजन की हालत हो गई है, और ये क्लीन भी नहीं होता अच्छे से क्योंकि बहुत ना कंजेस्टेड एरिया है इधर। और इसका बेली पैन है पर वो कुछ काम का नहीं है, मतलब पूरा बर्बाद है ये बेली पैन, इसका कुछ काम नहीं है, सिर्फ शो के लिए दिया है। इसमें जैसे ड्यूक 200 में आता है, अपाचे 200 में आता है, वैसा बेली पैन होना चाहिए था क्योंकि वो परफेक्टली इंजन को प्रोटेक्ट करता है। ये ना कीचड़ से प्रोटेक्ट करता है, ना जो पत्थर वगैरह उड़ते हैं उससे प्रोटेक्ट करता है, ये कुछ काम का नहीं है। इससे मैं बहुत परेशान आ गया हूँ क्योंकि ये आप देख सकते हो यार, इंजन बाहर से जल्दी ख़राब हो जाता है, मतलब इंजन का कलर वगैरह पूरा ख़राब हो जाता है यार, क्या करें। इसका सोल्यूशन आपके पास है तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताओ। दोस्तों इंजन का तो छोड़ो, ये कैटलाइटिक कन्वर्टर आप देख सकते हो सीधा इस टायर के सामने, जिससे वो जल्दी ख़राब हो जाता है। और मेरे भी कैटलाइटिक कन्वर्टर का पूरा कलर उतर गया है, और इसका सबसे अट्रैक्टिव पार्ट उसका इंजन है, ये पूरा भरा भरा लगता है और इससे NS का लुक बहुत बढ़िया लगता है। यही ख़राब हो जाएगा तो लुक कैसे आएगा यार मैं इससे बहुत परेशान आ गया हूँ, क्या करूँ मुझे पता नहीं चल रहा है। और बारिश के सीज़न में इसे चलाने का ना मन बिल्कुल भी नहीं होता। और एक बार पीछे की भी हालत देख लो यार, पीछे ये मैंने स्टॉक वाला मड हगर लगाया है, उसका भी कोई यूज़ नहीं है। ये आप देख सकते हो कीचड़ कहाँ तक आ रहा है, जो पीछे पिलेन बैठता है ना उसके तो कपड़े पूरे ख़राब हो जाते हैं यार। इससे भी मैं परेशान आ गया हूँ यार, सारे सब लोग गालियाँ देते हैं, सब दोस्त वगैरह बोलते हैं तेरी बाइक पूरा ख़राब कर देते हैं हमें, क्या ही बोलो यार। बजाज वालों इस प्रॉब्लम को कुछ तो सोल्यूशन लाओ यार, इसमें एक अच्छा वाला जो कैथलेटिक कन्वर्टर को इंजन को प्रोटेक्ट करने वाला बेली पैन लगाओ, अंडर बेली लगाओ यार पूरी, जो केरला साइड लगाते हैं लोग KTM RC वाली वो लगाओ यार, कुछ तो करो पर इसका सोल्यूशन निकालो यार प्लीज़ यार। बारिश वाले सीज़न में मैं इससे बहुत परेशान आ गया यार, बार बार क्लीन करनी पड़ती है बाइक को और जल्दी ख़राब हो जाती है। तो ऐसे जो मेंटेन रखेगा उसकी बाइक बारिश के सीज़न में बहुत अच्छी रहेगी, जैसे मैं रखता हूँ इसे मेंटेन। और कल ही मैंने राइड मारी तो उसके बाद ये हालत हो गई, तो मैंने सोचा आपको बताना बहुत ज़रूरी है। आप बाइक लेने जाओगे तो आप भी इस चीज़ से परेशान हो जाओगे यार, बहुत परेशान करती है ये चीज़। तो और एक प्रॉब्लम आ रही है इसके पीछे वाले टायर से, जब तक आप बाइक वॉश नहीं करते तब तक बाइक के पीछे वाले टायर से कुछ ना कुछ आवाज़ आती रहती है, वो अनवांटेड लगती है यार, मुझे पसंद नहीं हुआ आवाज़, इससे भी मैं परेशान आ गया हूँ। जब आप बाइक वॉश करोगे तब कुछ आवाज़ नहीं आती, ये भी क्या दिक्कत है मुझे पता नहीं, पर ठीक है उतना तो चलता है क्योंकि सारे बाइक्स में प्रॉब्लम आती है कौन सी भी बाइक हो। दोस्तों बाकी बाइक में आज सच कोई दिक्कत नहीं आ रही है, बाकी बाइक एक नंबर है, आप ज़रूर ले सकते हो 2022 में भी, बहुत बढ़िया और मुझे पसंद भी है, सिर्फ ये कीचड़ वाली दिक्कत है इसमें, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आज के वीडियो में इतना ही था, जो मुझे दिक्कतें फेस करनी पड़ी वो मैंने आपके साथ शेयर करी। तो इसका कोई सोल्यूशन है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, हम 1K के बहुत करीब है तो जल्दी से जल्दी 1K तक पहुँचाइए, और मुझे पता है आप ज़रूर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड सपोर्ट। बाय बाय एंड टेक केयर।